आप तो जाटव जी हैं जी, वोट किनको देते हैं? सच्ची बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा? सपा को देते हैं। बहन जी को नहीं देते? बहन जी को नहीं देते, बहन जी का हमारे काम कर रही है, हमारे नेताजी काम कर रहे हैं, नेताजी को देते हैं। वोट जाएगा सपा को? सपा को, बहन जी को नहीं जाएगा? बहन जी को नहीं जाएगा। हमें योगी जी में हमें कुछ मिला ही नहीं, हम क्या करें देखेंगे। इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश। कैसे कह सकते हैं चाचा? कैसे कह सकते हैं, हाँ अपने हिसाब से कह सकते हैं। जो हम वोट देते हैं तो हमें उम्मीद है कि उतरेंगे। समाजवादी की सरकार बनेगी जी, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते प्रधानमंत्री होना चाहिए, होना चाहिए था। अच्छा एक चीज बताइए सर, कि अखिलेश यादव और बहन जी एक बार गठबंधन किए थे, एक साथ मिले थे? गठबंधन किए थे, हुआ हुआ अलग हो गया, फिर चाहते हैं फिर से दोनों साथ में आ जाए? अब वो तो नेता, अब नेता लोगों, आपकी क्या राय है? हमारी कोई राय नहीं, नेता लोगों की राय भाई, हमारे राय से क्या कुछ हो, वोट गिरेगा साइकिल पर, साइकिल पर। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? खूब जानते हैं। क्या जानते हैं? काहे अकेले कोना में बैठे हुए हैं, अकेले ने खेत वेत देना? खेत में ठंडी है, मौसम ठंडा है, इसलिए बैठे आ रहा हूँ। नाम क्या है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर क्या? हरिशंकर जाटव। जाटव, ये सफाई गांव है, मुलायम सिंह यादव जी का गांव सफाई है जी जी। जी। काम तो पूरा हुआ है गांव में? खूब अच्छा। आप तो पुराने लोग हैं जी, तो मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस गांव में क्या क्या दिखते थे? सब कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं था। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। आप तो जाटव जी हैं जी, वोट किनको देते हैं? सच्ची बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा? सपा को देते हैं। बहन जी को नहीं देते? बहन जी को नहीं देते, बहन जी का हमारे काम कर रही है, हमारे नेताजी काम कर रहे हैं, नेताजी को देते हैं। मुलायम सिंह जी को? अब बहन जी कहती हैं हम दलितों की नेता हैं, दलितों की नेता हैं, नेता जरूर नेतों के, लेकिन हमारे यहाँ जो मुखिया हैं उनको हम देंगे, हम बाहर क्यों जाएं? जब हमें गांव से सब कुछ मिलता है तो हम गांव में रहेंगे। हाँ, गांव में ही सब कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है? जो कुछ जो जो भी हो। अभी जैसे अखिलेश यादव की सरकार नहीं है जी, अभी तो सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है जी, तो अभी क्या क्या योगी जी में अच्छा देखते हैं? हमें योगी जी में हमें कुछ मिला ही नहीं, हम क्या करें देखेंगे। योगी जी अच्छा मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? अरे अच्छे तो सब मुख्यमंत्री होते हैं, खराब कौन से होते हैं, लेकिन जो जहाँ जिसको सुविधा। अच्छा मतलब जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना? अखिलेश जी उतरेंगे। हाँ, इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश। कैसे कह सकते हैं चाचा? कैसे कह सकते हैं, हाँ अपने हिसाब से कह सकते हैं। जो हम वोट देते हैं तो हमें उम्मीद है कि उतरेंगे। समाजवादी की सरकार बनेगी जी, तो बहन जी का क्या होगा चाचा? अब बहन जी और वो जहाँ नेता नेता हैं अपना, क्या जाने क्या नहीं करेंगे। योगी जी? योगी जी भी नेता जी हैं, वो भी क्या करेंगे। मोदी जी का काम कैसा लगता है, सच्ची ईमानदारी से बताइएगा? मोदी जी का काम सब बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन जहाँ है सुविधा उनको जिन्हें मिल रही है वो अच्छी। लोकसभा में किनको वोट दिए थे? मोदी जी को? नहीं, नेताजी को। आप तो दलित समाज से हैं, दलितों के लिए कौन नेता अच्छा है? हमारे लिए सब नेता अच्छे हैं, जो काम करता वो हमारा नेता है। योगी जी के बारे में और मोदी जी के बारे में बताइए, ये लोग का काम दलितों के लिए कैसा है? हमें कोई मतलब नहीं दलितों से कैसा है क्या नहीं, हमें तो अपने अपने से देखना है बस। मुलायम सिंह जी? अच्छा, शिवपाल यादव को भी तो आप जानते हैं जी सर, उनकी लड़ाई हो गई है अखिलेश यादव? कोई लड़ाई नहीं है, ये तो घर में आपस में होती रहती है, लड़ाई रही है। अच्छा भतीजा, हम तो लड़ाई पूरा टीवी हुई सब, वो तो टीवी मीडिया है, कुछ भी छाल दे। मीडिया में चल रहा है चाचा भतीजा, में लड़ाई हो गया? लड़ाई हाँ हो गया, होगा तो चलता है, इसका नुकसान होगा जी? नेताजी आगे उनसे पूछ लीजिए, कुछ उनसे बात किए तो इसका असर होगा चुनाव में, कहीं नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं होगा, ये दोनों एक हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? खूब जानते हैं। क्या जानते हैं? दलितों के मसीहा थे, और क्या जानते हैं? आप लोग अम्बेडकर को मानते हैं? मानते नहीं, हम मानते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे नेताजी हैं जो हमारे मुख्य आदमी गांव के हैं, मुखिया हैं, जिनका भारतवर्ष में नाम है, तो उन्हें हम छोड़ सकते हैं? हाँ भाई, देश के रक्षा मंत्री बने, यूपी के मुख्यमंत्री बने, उनका लड़का अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने, हाँ, और हमारे बिहार में तो अब रिश्तेदारी भी हो गई है, हाँ, राजलक्ष्मी जी यहाँ की बहू हैं, तेज प्रताप यादव जी की पत्नी हुई, हाँ,
इसलिए आप लोग चूंकि मुलायम सिंह यादव जी के गांव से हैं इसलिए वोट जाएगा सपा को, सपा को, बहन जी को नहीं जाएगा, बहन जी को नहीं जाएगा, जाति देख के वोट नहीं देंगे, जाति देख जाति धर्म से वोट नहीं देते, हम अपने गांव को वोट देते हैं। ओ मुलायम सिंह यादव मतलब सफाई जी, और सफाई मतलब मुलायम सिंह यादव जी जी, और विकास तो विकास तो देख ही रहे हैं आप, जैसा विकास कहाँ ही नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता विकास, हर गांव, हर गांव में हर घर में सब विकास ही विकास दिखाया नहीं कि देश का हर गांव का सफाई होता जी जी, हर गांव सफाई जैसा होता तो फिर क्या होता, तो रक्षा मंत्री मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होते प्रधानमंत्री होना चाहिए, होना चाहिए था। अच्छा एक चीज बताइए सर कि अखिलेश यादव और बहन जी एक बार गठबंधन किए थे, एक साथ मिले थे, गठबंधन किए थे, हुआ हुआ अभी अलग हो गया, फिर चाहते हैं फिर से दोनों साथ में आ जाए, अब वो तो नेता, अब नेता लोगों आपकी क्या राय है, हमारी कोई राय नहीं, नेता लोगों की राय भाई, हमारे राह से क्या कुछ हो, वोट गिरेगा साइकिल पर, साइकिल पर। चलिए तो चाचा जी क्या नाम बताएं, हरिशंकर, हरिशंकर जाटव जी हैं, इनका कहना है कुछ हो हम अपने गांव को वोट देते हैं, हमारा गांव है सफाई, और सफाई मतलब मुलायम सिंह यादव, और मुलायम सिंह यादव मतलब नेताजी, और नेताजी मतलब सफाई। चलिए तो बातचीत कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पसंद की आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हमारे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।